हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो चलिए, आज आपके लिए नाइट में फेस में क्या लगाएं उसके लिए लेके आई हूँ कि आप फेस में क्या लगा सकते हैं। कोई दिन में आप कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं तो आप नाइट में लगा सकते हैं, जिससे सुबह फेस बहुत ही अच्छा साफ और सुंदर दिखने लगेगा। अगर गर्मियों में आपके चेहरे में काले हो गए या छोटी छोटी फुड़िया जो छोटी छोटी दाने के रूप में आती हैं या मुहासे के रूप में आती हैं, तो आप इसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी फेस पैक की, इसमें कोई भी फेस पैक लेके नहीं आएंगे जिसमें आपको फेस पैक लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम आप बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना है, उसके बाद फिर क्या लगाना है अपने फेस को, तो फेस अच्छा से रहेगा और धीरे धीरे आपके रिंकल्स भी चले जाएंगे और काले काले जो निशान होते हैं वो भी चले जाएंगे और छोटे छोटे पिंपल्स जो होते हैं वो भी चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, नींबू ले लीजिए। नींबू को थोड़ा सा रस, डायरेक्टली थोड़ा सा रस को घसना नहीं है आपको, थोड़ा सा बस चारों साइड आपको नींबू लगाना है। ऐसे नींबू से क्या होता है, नींबू से धीरे धीरे काले निशान चले जाते हैं इससे, और जो भी पिगमेंटेशन या झुर्रियाँ होती हैं वो कुछ भी आपके पड़ेंगे नहीं। जो झाइयाँ होती हैं, झाइयाँ धीरे धीरे कम होती रहती हैं। तो ये देखिए नींबू का रस, हमने ये देखिए इतना नींबू का रस लगा दिया। आपको क्या लेना है, इसमें आइस लेना है। गर्मी का टाइम आ गया है तो आइस बहुत ही फायदेमंद होता है। आपको नॉर्मल आइस लेना है, एक कपड़े में लीजिए। और नींबू का रस आपने लगा लिया है हल्का सा, अब इसमें बर्फ को ले ली हल्के हल्के हाथों से। आपको 5 मिनट तक, जब तक ये बर्फ नहीं गल जाता है, एक बर्फ आपको अच्छे से अप्लाई करना है। ये देखिए ऐसे बर्फ अपने फेस में शाइनिंग लाने के लिए, फेस को गोरा करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो फेस का होता है वो बहुत जल्दी अच्छे से चालू हो जाता है और गंदगी अपनी साफ हो जाती है। ओपन स्पोर्ट्स भी अपन के धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। और बर्फ का काम बहुत, और बर्फ का बहुत अच्छा यूज क्या होता है, जब आप मेकअप करते हैं तो मेकअप से पहले आप बर्फ लगा लीजिए। बर्फ लगाने से क्या रहता है, आपका चेहरा भी खिला खिला रहेगा, अच्छा सा ऐसा डल सा नहीं लगेगा, बहुत खिला खिला रहेगा। मेकअप लगाएंगे तो मेकअप निकलता भी नहीं है। तो आप इसको बर्फ को अच्छे से यूज करिए, ये नाइट के लिए बहुत अच्छा है। या आप इसको अच्छी तरह से घस लीजिए फेस में, हल्के हाथों से घसना है कि जल्दी जल्दी नहीं घसना है, रेडनेस आ जाए। और कपड़े में लेके ही घसना है, ये नहीं कि आप डायरेक्टली लगा लें, डायरेक्टली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये देखिए हल्के हाथों से आपको चारों साइड अच्छे से फेस में करना है। आपको अगर थोड़ी सी भी पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो बर्फ से बहुत जल्दी पिंपल्स चला जाता है। ये देखिए इसको हम अच्छे से चारों साइड लगाएंगे, ये बहुत ही अच्छा काम करता है अपने फेस के लिए। ठंडक का काम भी करता है, गर्मी के दिनों में बहुत ही अच्छा होता है ठंडक काम करने का। जब ये कंप्लीट हो जाए तो आपको इसके बाद अपने फेस में क्या लगाना है, चलिए आपको वो भी। एक चीज़ का यूज ध्यान रखिएगा कि जैसे आप किचन से आए हैं या आपके मेकअप लगा है तो मेकअप रिमूव कर लीजिएगा, बेसन से फेस धो लीजिएगा या आटे से फेस धो लीजिएगा, उसके बाद बर्फ का यूज करिएगा। डायरेक्ट मेकअप में यूज मत करिएगा। या आप किचन से आए तो तेलीय त्वचा रहती है या पसीना से भरा रहता है, तो वो सब चीज़ हट जाए। तो आप नॉर्मली पानी से धो लीजिएगा या बेसन से या आटे से, उसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको लगाने के बाद ये जब ये सूख जाए तो आप थोड़ा सा गुलाब जल ले लीजिए और गुलाब जल को अपने फेस में थप थप करके लगा लीजिए, बहुत ही फायदेमंद होता है। उसके बाद हो गया, जैसे आपका रूटीन रहता है सुबह मॉर्निंग में फेस धो लीजिए। ये देखिए हमारा कंप्लीट हो रहा है बर्फ। आइस क्यूब बहुत अच्छा होता है, आपको एक दिन बताएंगे कि खीरे से आइस क्यूब कैसे बनाते हैं और या एलोवेरा से आइस क्यूब कैसे बनाते हैं, आपको बताएंगे कि आपको कैसे कैसे लगाना है, क्या उसके साथ क्या यूज करना है। तो आपको ये देखिए बर्फ हमारा लग गया है, अब इसको थोड़ा सा पोंछ लेते हैं। ये पूछ लिया, इसके बाद आपको गुलाब जल लगाना है। इसके बाद आपको कुछ भी फेस में नहीं लगाना है, नॉर्मल जैसे कि खाना वाना खाने के बाद आपको करना है बर्फ घसना। तो ये देखिए बस ले लिया है गुलाब जल, गुलाब जल को थप थप करके लगा लीजिए पूरे फेस में। गुलाब जल बहुत ही अच्छा होता है, ये टोनर की तरह काम करता है। इससे भी धीरे धीरे ये काले दाग धब्बे रहते हैं चले जाते हैं। ये देखिए अब इसको सूखने दीजिए ऐसे करके, ना आपको पोंछना है ना कुछ करना है। और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, नई आई हूँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।